जहाँ से महाभारत का अंत है, भागवत कथा वहीं से आरंभ है। कि महाभारत के युद्ध में कौरव सेना, जिसके 99 पुत्र धृतराष्ट्र के मारे गए, केवल दुर्योधन ही बाकी रहा, जिसकी जांघें भीम ने काट दी, दुखी पड़ा था। और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंचता है। अश्वत्थामा आता है। ये अश्वत्थामा बड़ा धार्मिक विचारधारा वाला था, लेकिन एक लालसा इंसान को क्या नहीं करवा देती। इसको सेनापति बनना था, इसने बड़ा ख्वाब देखा था शुरू से ही। ये केवल दुर्योधन के साथ सेनापति बनने के लिए तो जुड़ा था। कहा, मित्र ये दुर्दशा तुम्हारी नहीं होती यदि तुम मुझे सेनापति बनाते, पर तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इसकी वजह से आज तुमने ये सब देखा। दुर्योधन हंसने लगा, भाई अब ये सब बोल रहा है जब एक सेना का सैनिक नहीं बचा, अब मैं तुझे क्या बनाऊं। बोले, अभी भी मौका है, चाहो तो तुम मुझे अभी भी सेनापति बना दो, मैं अभी भी तुम्हारा काम बना सकता हूं, पांचों पांडवों के सर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। दुर्योधन ने हंस करके अपने रक्त से उसका तिलक किया, जा तू सेनापति बन गया। महाराज बड़ा धूर्त था, एक पद ने इस ब्राह्मण की बुद्धि को कितना खराब किया कि आज मारने को, इतना अपने पद को बचाने के लिए, अपने पद को बनाए रखने के लिए इसने बहुत अपराध कर डाला। पांडवों के पुत्रों के सर काट लाया रात्रि में, पांडवों को समझ करके। कभी भी निहत्ते पर वार नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म है, और इसने धर्म के विरुद्ध काम किया। पांडवों ने भी धर्म से चलकर ही पूरा एक एक पग धर्म में युद्ध किया था, लेकिन जब पता चला उनके सुकुमार बालक अभिमन्यु की हत्या कर दी, और किन्होंने की, बड़े बड़े दिग्गज वीर भीष्म पितामह द्रोण आदि बड़े बड़े ऐसे महारथी जो प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने सुकुमार बालक की ओर देखा तक नहीं, और अपने बीच षड्यंत्र से उसे मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें जैसा करना है करो युद्ध, और याद रखिए जहां भी युद्ध होता है आखिर दोनों तरफ का ही हानि होती, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन हानि तो दोनों तरफ की है। चाहे वो एक परिवार का युद्ध हो, चाहे समाज का युद्ध हो, चाहे वो विश्व युद्ध हो। इसलिए हमेशा समझदार व्यक्ति युद्ध को रोकने का प्रयास करता है कि युद्ध को रोके। और यहां पर महाराज रात्रि में पांडवों के बालकों के सिर काट लिए। जरा विचार करें, द्रौपदी दुखी हो गई जब उसके बालकों के सिर नहीं थे, शरीर पड़ा था, रोने लगी। तब मां को रोते हुए देखा, अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, बिलखते हुए। केवल पांचों पांडव ही थे उस वंश के, उन बालक पांचों पांडवों के, वो भी मर गए। आज क्रोधित हो गए पांचों पांडव, किसने किया, प्रभु ने कहा अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, सामने द्रौपदी की रखा गया, इसको क्या दंड दिया जाए बताओ, तेरे बालकों की हत्या की इसने, तू बता इसको मार दिया जाए, इसका सिर उड़ा दिया जाए, या कहीं लटकाया जाए, इसको कहां क्या किया जाए। जैसे ही देखा, देखते ही कि गुरु का पुत्र है, ये तो साक्षात गुरु है, ब्राह्मण है। फिर गुरुदेव मर गए तो गुरु माता इसी के भरोसे जीवित है, अगर ये भी मार दिया तो जैसे आज मैं दुखी हूं वैसे गुरु माता दुखी होगी। मुंचता मुंचता मेशम ब्राह्मणम नितराम गुरु, छोड़ दो इसे मत मारो। अब तो महाराज भीम कहां टिकने वाले थे, गदा लेकर दौड़े, प्रभु ने रोका। आज अर्जुन से कह करके शिखा भेदन करवा दिए, शिखा हटवा दी, और शिखा जो ही हटी, याद रखिए ब्राह्मण की ब्रह्म शिखा, ब्राह्मण की ब्रह्म शिखा पर कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी भी। और मैं तो कहती हूं स्त्रियों के भी बालों को ना पकड़े कभी, कभी कभी पुरुष क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े में स्त्रियों के बाल पकड़ लेते हैं जो कि नहीं पकड़ने चाहिए। आप जानते हैं इसी का परिणाम रावण को मिला था,
उसका एक यही पाप था कि उसने वेदमती के केश पकड़े थे, जिसका उसको भुगतान पूरे परिवार के साथ करना पड़ा। इसलिए कभी स्त्रियों के केश ना पकड़ें, कभी ब्राह्मणों के की सिखा ना पकड़ें। मगध देश के राजा ने चाणक्य की सिखा पकड़कर उसे फेंका था, तहस नहस करवा दिया। एक चंद्रगुप्त एक निम्न से बालक को लाकर राजगद्दी पर बिठा दिया, अखंड भारत का राज्य करवाया। रावण ने भी एक बार जा रहा था विमान से, उसी समय एक वन में एक सुंदर सी स्त्री को देखा, तपस्या की मूर्ति थी वो, वेदमती थी। इस रावण ने उसके केस पकड़ लिए और जबरदस्ती उसे ले जाना चाहा। उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया, लेकर जाना चाहा। उस वेदमती ने छुरी से अपने केस काट लिए और उससे आजाद हो गई और तुरंत अपनी तपस्या का जल लिया और श्राप दिया, जिन केसों को तूने मेरे से अपना स्पर्श किया है, यही मेरे केस तेरे पूरे कुल का रक्त पिएंगे, ये तेरे रक्त से संचित हो गया। तुरंत तपस्या का जल छोड़कर अदृश्य हो गई। कहा जाता है रावण ठाकर लगाकर हंसा, सभी ब्राह्मण ऋषियों को बुलाया और कहा, ये जो चुटिया देख रहे हो, ये जो केश देख रहे हो, ये वेदमती के मुझसे रक्त मांग रहे हैं, मुझे रक्त चाहिए। सभी ऋषि अपना अपना रक्त दो। सभी ऋषियों ने क्या करते, सभी ऋषियों ने अपना अपना रक्त भर के घड़ा दे दिया, उसमें उस वेदमती के बालों को उसने डुबाया, ठाके मार कर हंसने लगा। मुझे बोलकर गई थी कि तेरा रक्त पिएंगे, ले तुझे मैंने रक्त से तुझे रक्त पिला दिया, तेरी पूर्ति कर दी, तुझे रक्त चाहिए था, तुझे रक्त मिल गया। ऋषियों के रक्त से उस चोटी को डुबा दिया। अब उस घड़े को रखे कहां, क्योंकि जहां भी रखेंगे प्रलय आ जाएगी, साधारण नहीं थी वो। तब कहा रावण ने कि इस घड़े को कहां रखा जाए, तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज एक ही जगह रखा जा सकता है जहां इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और वो है महाराज जनक, जिसकी राजसभा में कोई साधारण सभाएं नहीं होती, वो इतना बड़ा राजा है जहां धर्म सभाएं लगती हैं, जो बहुत बड़ा योगी है, गृहस्थी में होकर भी किसी सन्यासी वैरागी से कम नहीं है, परमहंस हैं, उनकी धरा पर इसको गाड़ दिया जाए और जनक जी के महाराज राज्य में वो घट गाड़ दिया गया। और जब एक दिन जब हल से पृथ्वी को जोत रहे थे, उसी समय कुंदा अटक गया उस कलश में। आज कलश को बाहर निकाला, कलश स्वर्ण का था, कैसे खोला जाए, फोड़ने वाले थे, फूटता उसी समय आकाश फटा और विशाल प्रकाश उसमें से निकला। भगवान विष्णु की प्रिया मां लक्ष्मी जी वहां उस प्रकाश से आई, उस घट में विराजमान हुई, और वेदमती जो उस घट में थी उसने नाखून में जानकी के वास किया और वहां मां एक छोटी सी कन्या के रूप में परिणित हो गई। सीतु, सीता नाम इसलिए पड़ा, हल्की नौक को वहां सीतु कहा जाता है नेपाल में, सीतु, सीतु से निकलने के कारण सीता नाम पड़ा। और वही वेदमती के रूप में आकर के महाराज पूरे रावण कुल को रक्त रंजित कर दिया। इसलिए केश कभी ना पकड़े, महिलाओं के भी ना पकड़े, स्त्रियों के केश कभी नहीं पकड़ने चाहिए, नहीं तो कुल सहित सर्वनाश हो जाता है। द्रौपदी के केश दुशासन ने पकड़े, कौरवों में से एक ना बचा। तो आज महाराज अपमानित करके, केश विहीन करके आज पांडवों ने भेज दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने इसमें अपना अपमान समझा और पांडवों का एकमात्र वंश जो पल रहा था, जो कि परीक्षित महाराज है, पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी थी, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उस अभिमन्यु की पुत्र थी, पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी,
उनके घर में ही परीक्षित महाराज पल रहे थे। अश्वत्थामा ने कहा भी एक और पांडवों का वंशज है। आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, गर्व जलने लगा, दौड़कर उत्तरा भगवान के चरणों में गिरी और यहाँ प्रभु ने गर्व में प्रवेश करके उत्तरा के गर्व की रक्षा की। आज